हेलो एवरीवन, आज की क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बताने वाले हैं जो ट्रिग्नोमेट्री आपकी मेंस में आने वाली है, चाहे वो CHSL हो या CGL हो, उसके लिए फॉर्मूले कैसे याद करने हैं, किस तरीके से टेबल बनानी है, कैसे आपको वैल्यूज़ याद होंगी, शॉर्टकट ट्रिक तरीके से आपको बिल्कुल बेसिक्स से शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक। मैं अंजलि शर्मा, चलिए आपको टिप्स और ट्रिक्स के साथ बताती हूँ कि फॉर्मूले कैसे बनाते हैं, कैसे यूज़ करना है इनको, ये सारी बातें हम अभी बताने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए, आज इस वीडियो में केवल मैं आपको फॉर्मूले ही बताऊंगी, ठीक है? तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि अगर कोई ट्रायंगल ये बना है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो हैं वो टोटल सिक्स होती हैं, सिक्स आइडेंटिटीज होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? साइन, कॉस, सेक, कॉसेक, टैन और कॉट, ठीक है? आप देखिए कि अगर ये कोई ट्रायंगल है और ये एंगल थीटा है, ठीक, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर को पी से डिनोट करेंगे और ये वाला जो है वो बेस हो गया आपका, बी से डिनोट करेंगे इसे, और ये वाला जो है 90 डिग्री के सामने वाला एच यानी हाइपोटेन्यूस कर्ण हो गया ये, ठीक है? लंब ये है, आधार ये है, कर्ण ये है। तो अभी इसमें फॉर्मूला कैसे याद करना है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, और इसका उल्टा यहाँ पे सी फॉर कॉट और कॉस का सेक और साइन का कॉसेक हो जाएगा, ठीक है? आप फॉर्मूले लिखने कैसे हैं इसी के बेस पे देखिए। ऐसे होता है साइन, तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाय एच, मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, ठीक है? फिर कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना होगा? बी बाई एच। टेन थीटा, टेन थीटा कितना होगा? पी बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है? अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, साइन का उल्टा कॉसेक, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई पी, ठीक, यानी इसका उल्टा एच बाई पी आ गया। ऐसे कॉस का देखिए सेक है, ठीक है, तो sec थीटा कितना हो गया? h बाई बी, और नेक्स्ट कितना हो गया tan का? cot b बाई पी, ठीक है? अब अगर इन दोनों को इंटू कर दिया जाए तो h से h कट जाएगा, p से p कट जाएगा, तो इससे एक फॉर्मूला क्या बन जाएगा? sin थीटा इंटू cosec थीटा इज इक्वल टू 1। ऐसे ही क्या बनेगा? cos थीटा इंटू sec थीटा इज इक्वल टू 1, और ये क्या बन जाएगा? tan theta into cot theta is equal to 1, ठीक है? कई बार आगे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि डायरेक्ट ये देखेंगे और इसकी जगह हम 1 पुट कर देंगे, क्लियर? और थ्री आइडेंटिटीज होती हैं, वो कौन कौन सी हैं? नंबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नंबर 2, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, और जो थर्ड है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है? तो ये भी आपके क्या हो गई? थ्री आइडेंटिटीज हो गई जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? अब इसके बाद बात करते हैं कि अगर हमें tan थीटा की वैल्यू पता करनी है sin और cos फॉर्म में, तो इसको हमें लिखना है 1 sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है? ऐसे ही जब cot थीटा इज इक्वल टू लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? cos थीटा अपॉन sin थीटा, sin और cos की वैल्यू sin और cos के फॉर्म में, सॉरी, tan और cot की वैल्यू sin और cos के फॉर्म में, ये हो गई, ठीक है? तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको याद करना है आपको। अब इसके बाद बात करते हैं कि टेबल कैसे बनेगी, ठीक है? तो टेबल बनाने के लिए जैसे क्या है कि कुछ वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। अगर आप साइन थीटा की वैल्यूज लर्न कर लेंगे, साइन 30, साइन 0, साइन 45, तो आप सारी वैल्यूज को याद कर सकते हैं, ठीक है? तो अभी हम टेबल बनाने के लिए हमको जगह चाहिए, इसलिए हम इसको मिटा देते हैं और इसको हम पीछे ही लिख देते हैं, बल्कि यहीं पर लिख देते हैं, क्योंकि हम पूरा पेज यूज करेंगे। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हमने पीछे का ही फॉर्मूला लिख दिया, और कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्लियर? नाउ अब देखिए, हम यहाँ टेबल बनाएंगे। टेबल कैसे बनेगी हमारी? ये हमने टेबल बनाई, ये हम याद करने का तरीका बता रहे हैं आपको। यहाँ पे लिखिए थीटा, ठीक,
ये हो गया आपका 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक, ये हमने ऐसे एक टेबल बनाई और सब में डिग्री आप लगा लीजिएगा। ठीक है, इसमें सब में डिग्री लगा लीजिएगा। अब हमने यहां लिखा साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। ठीक है, ये हमने लिख लिया और ये बन गई हमारी टेबल। ठीक, ये लीजिए, ठीक। अगर हमें पता करना है साइन जीरो, तो साइन जीरो तो जीरो होता है, हमको वैल्यूज याद है। देखिए साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1 होता है। ठीक है, बट ये आया कैसे पहले ये समझिए। देखिए तरीका क्या है, √1/4 और √1/4 सभी में लिखना है। अब क्या है, इंटू 0 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। ठीक है, अब क्या होगा, ये तो हो गया 0, ये हो गया 1/2, ये हो गया 1/√2 और ये हो जाएगा √3/2 और ये हो जाएगा 1। क्लियर। अब देखिए कॉस अगर निकालना है तो उल्टी वैल्यू, यहाँ से ये वाली वैल्यू यहाँ, यानी कॉस 0 1। ठीक है, अब ये वैल्यू यहाँ, अब ये वैल्यू यहाँ और ये वाली वैल्यू यहाँ और ये 0 यहाँ आ गया, यानी कॉस की वैल्यू भी आ गई। अब 10 की कैसे निकलती है, अभी हमने फॉर्मूला बताया साइन अपॉन कॉस, तो 0/1 मतलब कितना हो गया 0, दिस बाय दिस 1/√3, दिस बाय दिस 1, दिस बाय दिस √3 और 1/0 क्या होता है, 1/0 इन्फिनिटी होता है, इनफाइनाइट। क्लियर। अब कॉट कैसे निकलेगा, देखिए ये चीज यहां आ जाएगी, ये यहां आएगा, ये यहां आएगा, ये यहां पर आ जाएगा और ये 0 है तो यहां लिख देंगे। ठीक है, अभी हमने पीछे पढ़ा sec क्या होता है, 1/cos थीटा। ठीक है, तो 1/cos थीटा यानी cos 1/this और क्या हो जाएगा, यानी इसका रेसिप्रोकल 2/√3, फिर √2, फिर ये 2 और यहाँ क्या आएगा 1/0 मतलब इन्फिनिटी हो गया। क्लियर, और ये वाला इन्फाइनाइट यहाँ आ जाएगा, फिर ये 2 आएगा, √2 आएगा, 2/√3 आएगा और ये 1 आ जाएगा, तो ये आपकी बन गई पूरी टेबल। क्लियर, वैसे आप साइन की अगर वैल्यू को पूरा याद कर लें तो आप सारी वैल्यूज अपने आप निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर, तो इस तरीके से आप वैल्यू को याद कर सकते हैं। अब आता है आपका जो, अब मैं जो फॉर्मूले बताने जा रही हूँ जो मेंस के क्वेश्चन हैं मोस्टली ऐसे पूछे जाते हैं, उनमें ये रूल लगेगा ज़रूर। ठीक है, तो अब ये समझ लीजिए कि अब हम आपको बता रहे हैं, जैसे एक लाइन ये, एक ये हमने खींची, ये हमारे कोऑर्डिनेट है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है। क्लियर, अब क्या करना है, देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। क्लियर, अब हमें क्या देखना है, जैसे कि आपने बोला 90, तो यहाँ से यहाँ तक 90 हो गया, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, 90+90 ये टोटल 180 हो गया, तो इस तरीके से 90 ऐड करके निकालना है। ठीक है, अब फॉर्मूले कैसे बनेंगे, देखिए जैसे मान लीजिए हमने लिखा, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो हमने एक लाइन लिख दी यहाँ, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, ए फॉर ऑल पॉजिटिव, एस फॉर साइन पॉजिटिव और साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक पॉजिटिव। ठीक है, टी फॉर टेन और टेन का उल्टा कॉट पॉजिटिव और इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव। ये हमने आपको क्यों बताया, क्योंकि ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितनी भी आपके सिक्स जो भी
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो सारे पॉजिटिव होंगे. सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा. थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होगा. और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होगा. ठीक है, अब जैसे हमने बात की, अब ये चीज हम यहां भी लिखते हैं. यहां पे ऑल पॉजिटिव, यहां पे साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव होंगे. थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव, और इसमें सेक और कॉस, कॉस और सेक पॉजिटिव. ठीक, अब एक चीज और याद करनी है आपको, वो क्या है कि 90 डिग्री और 270 डिग्री में चेंज होगा, और 180 डिग्री और 360 डिग्री में नो चेंज. अब ये हमने क्यों बताया, अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं. पहले जैसे मान लीजिए कि हमें वैल्यू निकालनी है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, टैन 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा. ठीक है, अब हमने देखिए ये बताया आपको कि ये देखिए कौन से क्वाड्रेंट में आएगा. पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, जब हम कोई भी क्वाड्रेंट बनाते हैं 90 डिग्री तो ये पूरा हो गया, लेकिन माइनस थीटा तो इसी में आ गया, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया. ठीक है, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, ऑल पॉजिटिव है. चाहे कोई भी रेशियो हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो, वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा. लेकिन आपको क्या देखना है, 90 में चेंज है. चेंज का मतलब साइन चेंज हो जाएगा किसमें, कॉस में. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है इसलिए सारे पॉजिटिव होंगे. क्लियर, ऐसे ही इसका क्या होगा, कॉस का चेंज हो जाएगा साइन थीटा, टेन का चेंज हो जाएगा कॉट थीटा, कॉट थीटा का चेंज हो जाएगा टेन थीटा, सेक का क्या चेंज होगा कॉसेक थीटा, और कॉसेक का क्या हो जाएगा चेंज, सेक थीटा. क्लियर, ये बन गया फॉर्मूला. अब बात करते हैं कि प्लस वाले की. अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, टेन 90 डिग्री प्लस थीटा, कॉट 90 डिग्री प्लस थीटा, सेक 90 डिग्री प्लस थीटा, और कॉसेक 90 डिग्री प्लस थीटा. ठीक है, अब देखिए ये जाएगा कौन से क्वाड्रेंट में, 90 प्लस थीटा, तो 90 तो ये है, थीटा प्लस कुछ भी हो सेकंड में जाएगा ये. ठीक, अब सेकंड में क्या होगा, हमने क्या बताया, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो स्कूल यानी कि साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे. तो साइन का मतलब ये वाला देखते हैं, साइन का मतलब ये पॉजिटिव होगा, और दूसरा कॉसेक का मतलब ये पॉजिटिव होगा. यानी जितने भी आएंगे आंसर आपके, बाकी सब निगेटिव 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 होंगे. क्लियर, क्योंकि 90 है, 90 में चेंज होगा, तो साइन का क्या हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस का क्या होगा यहाँ पे माइनस साइन थीटा आ जाएगा, टेन का कॉट थीटा, कॉट का टेन थीटा, और सेक का कॉसेक थीटा, ये हो गया, और इसका सेक थीटा. प्लस लगाइए या ना लगाइए, ये बन गया. ठीक है, क्लियर, अब बात करते हैं, मान लो नेक्स्ट हम आ जाएं, अब नेक्स्ट किस में आ जाएं कि 180 प्लस थीटा ले लें सपोज, तो इससे आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं. 180 प्लस थीटा, साइन के बाद कॉस, 180 प्लस थीटा, सेक, 180 प्लस थीटा, कॉसेक, 180 प्लस थीटा, टैन, 180 प्लस थीटा, और कॉट, 180 प्लस थीटा. ठीक है, चलो जी, अब पहले तो हमें पता करना पड़ेगा कि 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाता है. ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट क्या, देखो यहां से चले 180 ये आ गया, प्लस थीटा है क्योंकि, तो इस थर्ड में जाएगा.
और थर्ड में क्या बताया, क्या क्या पॉजिटिव होता है? एक टेन पॉजिटिव होता है, एक कॉट पॉजिटिव होता है, क्लियर। तो अब ये भी देखना है कि देखिए 180 में नो चेंज, चेंज नहीं होगा, कॉट का कॉट ही रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा। तो अब हमें सिर्फ ये देखना है कि चेंज प्लस कौन कौन सा होता है, तो टेन और कॉट प्लस होगा, यानी कि एक तो हमारा कॉट प्लस होगा, तो ये कॉट, ये देखो ये प्लस होगा और ये प्लस होगा, ठीक है। बाकी सब जो भी आएंगे माइनस में होंगे, ठीक। अब ये 180 में चेंज तो होता नहीं है, तो माइनस साइन थीटा, इसमें क्या होगा माइनस कॉस थीटा, इसमें क्या होगा माइनस कॉसेक थीटा, नो चेंज होगा सेक थीटा, कॉसेक थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा, क्लियर, ठीक है। तो ये ऐसे आप फॉर्मूले कितने भी बना सकते हैं, और इसी में बेस्ड आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो हमने पार्ट वन वाले में भी करवाए हैं। अभी मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था ट्रिग्नोमेट्री का, और उसमें हमने इससे इस फॉर्मूले को यूज़ करके क्वेश्चंस करवाए हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आप पहले देख लीजिएगा, फिर आप वो वाला वीडियो भी कर लीजिएगा। अब एक चीज़ और देख लेते हैं, मान लीजिए हमने 270 वाला लिया, तो साइन 270 प्लस थीटा, ठीक है। फिर आ गया साइन के बाद कॉस 270 डिग्री प्लस थीटा, डिग्री लगा दीजिएगा, टेन 270 डिग्री प्लस थीटा, कॉट 270 डिग्री प्लस थीटा, सेक 270 डिग्री प्लस थीटा, कॉसेक 270 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या देखना है, हमें सबसे पहले देखना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा 270 प्लस थीटा। अब देखिए 270 कहाँ तक आएगा, 90 90 180 180 और 90 270, ठीक। अब प्लस थीटा यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव था, कॉस और सेक, कॉस और सेक पॉजिटिव था, ठीक है। तो कॉस पॉजिटिव हम ले लें, ये सेक पॉजिटिव रहेगा और कॉस पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब निगेटिव रहेंगे, ठीक। अब 270 में चेंज होता है ये हमने बताया था आपको, तो आप चेंज कर दीजिए, साइन का हो गया कॉस थीटा, कॉस का हो जाएगा साइन थीटा, टेन का हो जाएगा कॉट थीटा, कॉट का हो जाएगा टेन थीटा, सेक का हो जाएगा कॉसेक थीटा, और कॉसेक का हो जाएगा सेक थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से आप और भी फॉर्मूले बना सकते हैं, 270 डिग्री माइनस थीटा वाले भी, 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा। तो इस तरीके से अगर आप ये रूल सीख गए हैं तो अपने आप इसको करिएगा, और ये फॉर्मूले अगर याद हो जाएंगे तो क्वेश्चन आप इजीली निकाल पाएंगे। क्वेश्चन मैंने पार्ट वन में भी करवाया है, और जब आगे पार्ट टू करवाएंगे तो उसमें भी वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूले की रिवीजन और प्रैक्टिस करिए। वीडियो मैं यहीं ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम फॉर सिलेक्शन। जय हिंद जय भारत।